बुधवार को रतलाम के क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हमने निर्णय लिया था कि लेफ्ट राइट के अनुसार रतलाम खोला जाएगा। और फिर एक हफ्ता हो चुका है, रविवार को एक बैठक और हुई थी। उस समय यह था कि एक हफ्ते की पूरी समीक्षा करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा। आज इस बुधवार को वापस से एक हफ्ता का जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है, मैं रतलाम की जनता को, यहाँ के व्यापारियों को, वहाँ सभी हमारे प्रेस के बंधु और अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने बहुत जल्दी कोरोना पर नियंत्रण पा लिया। एक समय था जब हम प्रदेश के शुरुआती दो तीन नगरों के अंदर हम आ रहे थे। आज हमारा पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे आ चुका है और इस हफ्ते के पॉजिटिविटी रेट और एक हफ्ते के लेफ्ट राइट के बाद में आज हमने निर्णय लिया है कि कल से सारा व्यापार पूरे समय चले, लेफ्ट राइट का कल से कोई समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि मानसून के पहले का ये आखिरी हफ्ता है और ये हफ्ता व्यापार व्यवसायियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो सारे व्यवसाय अभी चलेंगे। हाथ ठेला वाले भी अपना काम कर सकते हैं और खास करके खाने पीने वाले वस्तुओं में उसने ताज़ा बना के नहीं दे पाएंगे, परंतु पैकिंग करके, क्योंकि ज़्यादा एक ठेले पर खड़े होकर खाने से संक्रमण का डर रहता है, तो वहाँ से पैक करा करके ले जाए, तो जो तैयार वस्तु है वो पैकिंग करके भी वो दे सकेंगे। वो बाकी सारा व्यवसाय अपने हिसाब से करें और खास करके आखिरी शनिवार होने के कारण से इस बार के शनिवार को भी व्यापार को छूट दी गई है। शनिवार के दिन भी व्यापार चलेगा, शनिवार शाम से लेकर के सोमवार सुबह तक का कर्फ्यू रहेगा। और मैं रतलाम की जनता से, व्यापारियों से अपील करता हूँ कि कोरोना का अनुशासन का पालन करें, क्योंकि यह ढील देना या सख्ती करना यह सब संक्रमण के ऊपर है, यह किसी व्यक्ति विशेष का या प्रशासनिक का नहीं है। जब तक संक्रमण की दर है उसके हिसाब से कार्य होता है। तो रतलाम अब हम एक बड़ी अच्छी सुखद परिस्थिति में आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का हर नागरिक अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए रतलाम को इसी सुखद स्थिति में अगले समय में भी ले जाएगा और हमारे यहाँ का व्यापार व्यवसाय, आम आदमी की मजदूरी का काम, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने रोजगार के अंदर लगे, इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमने यह निर्णय लिया है और कल से सारा व्यवसाय प्रारंभ हो जाए।